आज जो आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग करूंगा, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये फॉन्टेक का एक मदरबोर्ड है, ये H61 है। और इसमें क्या क्या फीचर्स है आप इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और इस बोर्ड में क्या क्या कंपनी दे रहे हैं और प्राइस वगैरह जो भी आ रहा है इसमें आप लोगों के साथ पूरा ही शेयर करूँगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दे रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो, ये कह रहा है कि H61 चिपसेट है इसमें, और इसमें 6+4 USB मतलब 6 और 10 USB पोर्ट है, 4 SATA है, ठीक है। और NVMe पोर्ट है, मतलब जो पतला वाला जो SSD होता है ना, M.2 SSD होता है, RAM का टाइप जैसा होता है, तो उस टाइप का अगर SSD है इसमें सपोर्ट कर जाएगा, और बड़ा वाला भी SSD मतलब दोनों SSD इसमें सपोर्ट कर जाएगा, ठीक है। और इसमें 1 HDMI पोर्ट है, 1 VGA पोर्ट है, ठीक है। चलो ये भी तो देख पा रहे हैं। और इसमें मार्केट का अभी वैल्यू चल रहा है इस मदरबोर्ड का, आपको 2800 के या 3200 के अंदर अंदर ये मदरबोर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी इसको मैं अनबॉक्सिंग करूँगा, चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। इसका बॉक्स वगैरह कुछ नहीं होते कटिंग करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ओपन ही मिलता है। ये देखिए, ये बेस है, ठीक है, कि मदरबोर्ड को बॉडी से लगाने के टाइप ये लगता है फिट करने के अच्छे तरीके से। और ये सटा के भी, ये मदरबोर्ड का मैनुअल, और ये इसको कहते हैं कि ड्राइवर डिस्क। अगर मदरबोर्ड को विंडोज लगाने पर अगर ग्राफिक्स या साउंड का दिक्कत आ रहा है, तो आपको ये ड्राइवर को इंस्टॉल कर देना है और आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये रहा आपका मदरबोर्ड, चलो मदरबोर्ड को अभी ओपन करेंगे। और ये देखिए, ये पैकिंग है, पूरा सील पैक है। तो अभी देखो, इसको मैं अभी अनबॉक्सिंग करूँगा, ये मेरा हथियार। और अभी देखिए, काट दिया और ये इसका अनबॉक्सिंग हो गया है। ये देखिए मदरबोर्ड, ब्लैक एंड रेड पे बहुत कलर जच रहा है, क्योंकि जेवरंस का मदरबोर्ड में ऐसे कलर टाइप का नहीं होता है, क्योंकि वो नॉर्मल टाइप का होता है। और इसमें क्या क्या पोर्ट दे रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हो ध्यान से, ठीक है। इसमें दिया है 2 RAM का पोर्ट दिया है, यहाँ पे पावर का पोर्ट दिया है, और इसमें दिया है 4 SATA दे दिया, 1 2 3 4 4 SATA दिया है। और इसमें NVMe का पोर्ट जो होता है, इसमें आप SSD लगा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। और नीचे मिनी PCI दे दिया, ये यहाँ पे ग्राफिक्स का स्लॉट दिया है, ये साउथ बीच नॉर्थ बीच एक PCH है, ये 12 वोल्ट का CPU का सेक्शन है। और यहाँ पे देखिए पोर्ट कितना पीस है, USB पोर्ट 1 2 3 4 5 6 पोर्ट USB है, और कैबिनेट का 2 पीस मतलब टोटल 8 पीस आपको USB मिल जाएगा। VGA पोर्ट दे दिया है, और HDMI भी दिया है, दोनों पोर्ट ही दिया है, यहाँ पे लैंड पोर्ट, यहाँ पे साउंड का पोर्ट दिया है। और मदरबोर्ड का जो वेट है तो नॉर्मल वेट है, ये कोई बात नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि सॉलिड है, क्योंकि दूसरा कोई चाइनीज़ बोर्ड तो इतना हार्ड कॉप नहीं होता है, ठीक है। और तो अभी देखो, यहाँ पे पावर ऑफ ऑन करने की या रिसेट करने की जगह है, और यहाँ पे बायस है। तो मदरबोर्ड का ये क्वालिटी बहुत बढ़िया क्वालिटी है, आप सस्ते में अगर 61 परचेस कर सकते हो तो ये ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस मदरबोर्ड में आप डुअल कोर i3 i5 मतलब 2nd और 3rd जनरेशन का कोई भी मदरबोर्ड का प्रोसेसर इसमें सपोर्ट कर जाएगा। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब किया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। वॉचिंग करने के धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, ठीक है।